हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइसिटी बुक्स। यूथ कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम केवीएस के एग्जाम्स के सीरीज लेकर आए थे, जिसमें हमने कई सारे प्रैक्टिसर दिखाए हैं। आज उसी सीरीज में हम केवीएस के पीजीटी इंग्लिश की जो वैकेंसीज आई है उसके लिए 12 सॉल्व पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आपके 2 सॉल्व पेपर्स हैं और 10 उसी जो न्यू पैटर्न है जो 2 दिसंबर को लॉन्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग 10 प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो टोटल 12 सेट इसमें आपको मिलने वाले हैं। केवीएस के 2017 का जो एग्जाम हुआ था पीजीटी का, और केवीएस पीजीटी 2016 का जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ था उसके हम सॉल्व पेपर्स लेकर आए हैं, और 10 इसी पैटर्न में जो नया सिलेबस है आपका, आगे हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, उसके आधार पर 10 प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं आपके नज़दीकी बुक स्टोर से, वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। बुक की प्रिंट प्राइस जो रहने वाली है वो 250 रुपीज़ रहने वाली है, और नंबर आप पेजेस की बात करते हैं तो 240 पेजेस की बुक रहने वाली है। इस पर अभी आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल मिलता है। अगर नज़दीकी बुक स्टोर पर नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन स्टोर yzbooks.com या हमारे एप्लीकेशन के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ ऑनलाइन स्टोर जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मेसो और जियो मार्ट में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर कोई ई बुक्स पढ़ना चाहता है तो yzpublication.com पर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट इसकी ई बुक पढ़ सकते हैं, जो लैपटॉप पीसी या टैब यूज़र हैं उनके लिए है। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र हैं तो हमारा yzt का एग्जाम प्रिपरेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप इन बुकों को पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप साइन इन करके पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। जो नया सिलेबस उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं 80 नंबर का और 100 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है। 80 नंबर में आपके सेक्शन में नेचर ऑफ क्वेश्चन होंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी के होंगे, तो 20 क्वेश्चन ये होंगे। जनरल अवेयरनेस के और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 5 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। इसके अलावा परस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के 40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग ऑफ लर्निंग 15 क्वेश्चन, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप एंड परस्पेक्टिव इन एजुकेशन, इसके तीनों को मिला के 10 क्वेश्चन होंगे, बाकी इन दोनों के 15-15 क्वेश्चन होंगे। तो 80 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। फिर आपका जो आता है प्रोफेशनल, उसमें आपके 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश के। उसका सिलेबस मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, उसका जो पीजीटी का सिलेबस जो रहने वाला है इंग्लिश का, उसका मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा डिटेल के साथ। इसमें आपको जो रहने वाला सिलेबस, रीडिंग अनसीन पैसेज, फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव और लिटरेसी टू एसेस कम्प्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फेरेंस एंड वोकैबुलरी, अनसीन केस बेस्ड रहेगा, क्रिएटिव राइटिंग स्किल रहेंगे, ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे, क्वेश्चन ऑन द गैप फिलिंग, क्वेश्चन ऑन रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ए फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ यहाँ पे रहने वाला है। लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिको, पोएट्स एंड पैंक्रियास, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, ये सारे सिलेबस यहाँ पे डिटेल के साथ आपको अवेलेबल मिलने वाला है। ठीक है, ये तो यहाँ पे पीजीटी 2017 का जो पेपर हुआ था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इंग्लिश का पेपर हुआ था वो आप यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाला है। डिटेल के साथ यहाँ पे सोल्यूशन भी अवेलेबल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी डिटेल के साथ सोल्यूशन यहाँ पे दिए गए हैं। ये तो 17 वाला एग्जाम हो गया। इसके अलावा जो 16 में एग्जाम हुआ था केवीएस का, केंद्रीय विद्यालय संगठन इंग्लिश का पीजीटी के, वो यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे ये अवेलेबल मिल जाएगा, टोटल यहाँ पे 180 क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट होता है, ये टोटल क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं पहला 10 क्वेश्चन इंग्लिश का, 10 क्वेश्चन हिंदी का, फिर 10 क्वेश्चन आपके जीएस का और उसमें करंट अफेयर्स का, फिर 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर लिटरेसी के, फिर उसके बाद यहाँ पे 41 क्वेश्चन से लेकर 80 तक आपका एजुकेशन वाले सब्जेक्ट का रहने वाला है। उसके बाद 81 से आपके टीजीटी इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टीजीटी इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन होगा और प्लस 80 क्वेश्चन होगा, तो टोटल 180 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। तो 180 क्वेश्चन आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद आपके देखना है कि कितने नंबर बन रहे हैं। मान लीजिए 180 में 140 से 150 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, उसमें सही हो रहे हैं 140 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, तो जो 40 क्वेश्चन आपके अनअटेम्प्ट है या आपके आपसे अटेम्प्ट नहीं हुआ है, गलत हो गया है, तो उसके लिए यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगी, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन जरूर देखिएगा आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं 81 से टीजीटी इंग्लिश मिल जाएंगे, उसके अलावा कॉमन सिलेबस जो है उसके लिए यहाँ पर मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन डिटेल सोल्यूशन देख लेंगे तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपका नॉलेज और भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ 180 समाप्त हो जाता है, यहाँ पे प्रैक्टिस नंबर 2 स्टार्ट होता है। ऐसे यहाँ पे 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे टोटल चलने वाले हैं,
तो सभी के क्वेश्चन यहाँ पे आप अटेंड करिएगा, लगभग 1800 क्वेश्चन वो मिल जाएगा, और जो दो पेपर रहने वाला है वो आपके, तो टोटल 12 सेट यहाँ पे आप जरूर सॉल्व करिएगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और इसकी ई बुक तुरंत परचेज कर सकते हैं आप हमारे एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट से ycetpublication.com और ycet का एग्जाम प्रिपरेशन एप्लीकेशन, वहाँ पर तुरंत आपको मिल जाएगा। बुक ऑर्डर करना चाहते हैं नज़दीकी बुक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर अवेलेबल मिलती रहती है। और किसी जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स में जो सुझाव होंगे, सजेशन होंगे या कोई प्रॉब्लम होंगे तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू गाइज़।